214 रुपये के हिसाब से, यानी 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2100 रुपये और समथिंग, 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी है। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, ये पैसा जब कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक उतना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओमान का जो करेंसी है, तो यहाँ का जो नोट होता है वो कैसा दिखता है, और इंडिया में अगर इंडियन रुपीज़ में हम लोग ओमानी रियाल को कन्वर्ट करते हैं तो कितना एक्सचेंज रेट कितना फ़िलहाल चल रहा है। और यहाँ का सबसे जो बड़ा नोट है वो तो वैसे 50 ओमानी रियाल होता है, जैसे इंडिया का फ़िलहाल 2000 का नोट है जो कि अभी बंद शायद होने वाला है। तो यहाँ का जो ओमानी रियाल होता है 50 ओमानी रियाल होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का एक ओमानी रियाल इंडिया का कितना हो सकता है। तो चलिए यहाँ के जितने भी नोट हैं मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास ये जो नोट हैं 100 ओमानी रियाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 ओमानी रियाल है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा यहाँ का नोट है ना, पहले मैं बता दूं कि यहाँ का एक ओमानी रियाल जो होता है, 1 ओमानी रियाल इंडिया का फ़िलहाल 215 रुपये, इंटरनेट पे जो रेट दिखाता है उससे 1 रुपये कम मिलता है जब हम लोग भेजते हैं, जब यहाँ का बैंक से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी टाइम में जो रेट दिखाता है ना, लगभग इंटरनेट पे जो दिखाता है उससे 1 रुपये कम दिखाता है एक ओमानी रियाल का। तो अभी अगर आप भेजेंगे तो 214 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे जो बड़ा करेंसी यहाँ का होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है 50 ओमानी रियाल। ये तो यहाँ का सबसे बड़ा नोट यही है, ये ओमान के जो पहले जो राजा थे उनका फ़ोटो है इस नोट पे। तो ये सबसे बड़ा है, इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 214 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 10,000 से 10,500 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ का नोट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन, मतलब यहाँ का एक नोट इंडिया का ये 50 रुपये का 10,500 से ज़्यादा बनेगा। उसके बाद ये 50 के बाद जो आता है वो है 20 ओमानी रियाल, ये है यहाँ का 20 ओमानी रियाल। दोनों साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी पूरा जो पहले के जो राजा थे यहाँ के उन्हीं का फ़ोटो है। तो ये है 20 ओमानी रियाल, तो 214 और इंटू 20 कर देंगे तो उसके बाद ये है, मतलब सबसे हाइयर 50, उसके बाद 20 का नोट, और उसके बाद आता है 10 का ओमानी रियाल। तो ये है 10 ओमानी रियाल जो आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ये नए जो राजा यहाँ के हैं उनका फ़ोटो ये 10 का नोट पे है। तो ये 10 × 20 इजी है 10 का जो नोट है ये लगभग 2140 रुपये के करीब में बनेगा, यानी 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2100 रुपये और समथिंग। तो ये 10 का नोट है। अब इसके बाद जो आता है वो 5 ओमानी रियाल होता है। 10 के बाद जो 5 ओमानी रियाल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 5 ओमानी रियाल। इस पर भी नए राजा का फ़ोटो है यहाँ के जो नए हैं। तो ये 5 ओमानी रियाल लगभग 1000। तो यहाँ का ये जो ये पूरा नोट हो गया, और इसमें एक ओमानी रियाल दिखाता हूँ जिसका इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 214 रुपये जो बनेगा। तो ये रहा एक ओमानी रियाल, अभी चेंज हो गया है, पहले इस पर भी पुराने वाले राजा का फ़ोटो होता था, अभी थोड़ा अलग ये नया नोट है। आप देख सकते हैं एक ओमानी रियाल लिखा है जो कि इंडिया का 214 रुपये। तो एक रियाल में लगभग काफ़ी सामान मिल जाता है, जैसे अब ये एक रियाल। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इसको टुकड़ा टुकड़ा जब होता है, यानी अब इसके नीचे जो आता है वो 500 बैजा लिखा जाता है, लेकिन लोग पैसा बोलते हैं, BAIZA लिखा जाता है। तो एक रियाल के बाद अब एक रियाल 214 रुपये हो गया, अब एक रियाल को 10 भाग में बांटेंगे तो इसमें से 100 पैसा बनता है, जिसको बैजा भी बोला जाता है, कुछ लोग पैसा भी बोलते हैं। तो इसमें अब पहले 500 बैजा मैं दिखा देता हूँ, यानी कि एक ओमानी रियाल को अगर 10 जगह डिवाइड करेंगे तो उसमें 100 पैसे का 10 जगह बनेगा। तो वैसे ही ये 500 पैसे का नोट है, यानी आधा ओमानी रियाल जिसको बोल सकते हैं, ये 500 बैजा भी बोला जाता है, ये 500 पैसा हो गया। तो एक ओमानी रियाल को 10 जगह अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें से 5 जो है 500 पैसा, इसको बोलते हैं या हाफ ओमानी रियाल। अब इसके बाद आता है 100 पैसा, तो 100 पैसा ये हो गया, देखिए ये जो पहले का है पुराना वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे राजा का फ़ोटो भी है। तो एक ओमानी रियाल को अगर 10 जगह बांटेंगे तो ऐसा वाला 10 पीस चाहिए, यानी 100 पैसा
10 जगह आएगा तब जाके एक ओमानी रियाल। तो ये 100 पैसा जो होता है इंडिया का लगभग 21 रुपए हो गया, 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 पॉइंट समथिंग हो गया। इसको 10 जगह आप करेंगे तो जा करके ये आपका बनेगा एक ओमानी रियाल। अब ये 100 पैसे का मैं नया वाला भी नोट आपको दिखा दे रहा हूँ, वो पुराना वाला था, ये है नया वाला, देखिए ये नया वाला, इस पर कुछ फ़ोटो वोटो नहीं है राजा का। तो ये है यहाँ का करेंसी, यानी कि 50, 20, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद एक ओमानी रियाल, फिर 500 पैसा, फिर 100 पैसे का, यानी कि एक ओमानी रियाल को 10 जगह डिवाइड करेंगे तो 100 पैसे का 10 नोट बनेगा, जिसमें कि 100 पैसे का नोट भी आता है और 500 पैसे का भी आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो क्वाइन भी होते हैं, तो क्वाइन लगभग 50 पैसा, 20 पैसा, 25 सॉरी 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। तो ये रहा ओमान का करेंसी जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे लगभग जो सैलरी होती है लोगों की, जो लेबर ग्रेड में जो लोग काम करते हैं, तो उन लोग का 190 रियाल या सॉरी ओनली 90 या एक 100 या 110 या 120, क्योंकि एक ओमानी रियाल का जो रेट है आपको मालूम है, उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का हम लोग का 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है। ये पैसा जब कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक उतना बनता है, इसीलिए यहाँ पे पैसे भी उसी रेट से मिलते हैं, ताकि कन्वर्ट करने पे आपको इंडिया में कुछ ठीक ठाक बने।